एक नंबर था, एक नंबर था ब्रो। ये अंजुना का है, देखो भैया नंबर वन रेट है। तो आज का हमारा लास्ट डे इन गोवा, और अभी भी मेरे लिस्ट में से कुछ जगह बची है जो एक्सप्लोर करने की है। तो आज मैं आपको उन्हीं कुछ जगहों पे लेके जाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। मॉर्निंग में निकले और चाय के बिना दिन की शुरुआत अधूरी होगी, सो वी टुक अ क्विक ब्रेक फॉर स्नैक्स एंड चाय एट दिस रोड साइड होटल। और चाय होने के बाद हम निकले आगे। हेलो, दिस इज सागर कामरे, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। और आज का हमारा लास्ट डे गोवा में, और हम आए हैं अश्वम बीच। तो आज के दिन में हम चार या पांच पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो अश्वम इज वन ऑफ देम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कम लोगों से भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे लोग कम आते हैं, फिर भी यहाँ पे होटल और रिसॉर्ट्स हैं। तो जनरली जो लोग जिनको पता है वो यहीं पे बुक करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, आराम से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स अ नाइस बीच। और ये यहाँ पे एक लेक है, लेक नहीं आई थिंक नदी है, जो समंदर में आके मिलती है। और कार्तिक भाई हैविंग फन, मज़ा आ गया। उन लोगों का हमने सर्फ देख लिया, अच्छा कर रहे, उसमें से एक बंदा तो मस्त फ्लिप मार रहा है। तो अभी हम निकलते हैं आगे। सो वी आर एट साइमन्स प्लेस, आजूबा कैफे एट अश्वम बीच। यू शुड विजिट दिस प्लेस बिकॉज ही हैज सम क्रेजी मैगी, रियली टेस्टी मैगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो अश्वम बीच पे वी लिटरली स्पेंट अ गुड टाइम हियर, क्यों? यस, सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, मस्ट विजिट बीच। अगर आपको पीस पसंद है और नॉर्थ गोवा वाला वाइब भी चाहिए, तो आई थिंक यू शुड विजिट दिस प्लेस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो यार चलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, मिलते हैं वहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मोरजिम बीच, जो काफ़ी पास में ही है अश्वम बीच से। तो मोरजिम बीच के जाते वक्त आपको ये रोड लगेगा, और यहाँ से आप अपनी गाड़ी पार्क करके यही से जा सकते हैं। तो ठीक है ना, वो टर्टल से आ जाते हैं। दिस इज़ नाइस, दिस इज़ रियली नाइस। ये पूरे पेड़ है, और पेड़ के आगे मोरजिम बीच, समंदर। तो अभी अपन मोरजिम बीच पे आए, मोरजिम बीच पे टर्टल नेस्टिंग साइट है, तो यहाँ पे टर्टल्स आते हैं। कुछ लोकल शॉप्स वालों से बात किया, उन्होंने बताया कि टर्टल जनरली रात में ही आते हैं, तभी आप देख सकते हो, बट अभी हम जाके देखेंगे, लेट्स सी क्या है वहाँ पे। तो दिस इज़ व्हाट द प्लेस लुक्स लाइक, यहाँ पे भी कुछ पी सकते हो। केस नेस्ट बना के रखे हुए, और आई थिंक उसके अंदर अंडे हो सकते बोल रहे, नॉट श्योर। यहाँ पे जा नहीं सकते अंदर, बट टर्टल्स नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अभी यहाँ पे आने के बाद ये पता चला, यहाँ पे एक गार्ड भी आते, उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे। रात के समय टर्टल आते हैं यहाँ पे, गड्ढा खोद के अंडे देके जाते हैं, फिर ये जो फॉरेस्ट वाले हैं ये उसे उठा के इन नेस्ट में डालते हैं, और 45 डेज के बाद जब वो हैच हो जाते हैं, तब रात के समय टाइम बराबर देख के उसको फिर से समंदर में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन छोटे बच्चों को, टर्टल्स को पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है, तो उनको वो छोड़ देते हैं समंदर के अंदर।
तो ये होता है। तो बोल रहे हैं कि हर साल 10 से 15 टर्टल ही आ रहे थे, लेकिन दिस इज़ द ईयर जब 20-25 टर्टल आए जिन्होंने अंडे दिए, और बहुत सारे अंडे यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए, अभी भी अंडे है उसमें। सो यार दिस इज़ व्हाट इट इज़, मोरजिम बीच के अंदर दिस वाज़ द ब्यूटी। अभी चलते हैं और आगे। टर्टल नेस्टिंग साइट देखने के बाद भूख लग चुकी थी, तो हमने इस रेस्टोरेंट से खाना खाया जो काफी टेस्टी था विद डिसेंट प्राइस। खाना खा के फिर हम निकले अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर, जो था दी फेमस अंजुना बीच, और ये बागा बीच से काफी नजदीक है। फिर पार्किंग में जाने के लिए हम लोग एक रिसॉर्ट के अंदर से आए। ये बीच काफी छोटा है और सीढ़ियों से उतरते ही समंदर का पानी दिखता है। अंजुना बीच एरिया जो है वो बहुत छोटा है, बीच से काफी नजदीक शैक्स है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे शैक्स है और यहाँ पे पानी यहाँ तक आ रहा है। शाम में तो और अंदर आता होगा यहाँ तक, आई थिंक यहाँ पे भी पानी आता है। वन थिंग, यहाँ पे पहुँचते ही a lot of guys will approach you with some water sports के पैकेज, क्योंकि इस बीच पे अलग अलग टाइप के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। तो हमने भी सोचा अंजुना आ ही गए हैं तो जेट स्की राइड भी कर ही लेते हैं। फिर एक के बाद एक हम जेट स्की राइड पे गए। बाय द वे इसका हमें 400 पर पर्सन चार्ज लगा पर राइड। भाई सुनील भाई हमें अभी ले जाने वाले पानी में, ये ऐसे अपन जाने वाले जेट स्की पे। भैया सुनो, बोलो। चलाएगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। नहीं चलाना, नहीं चलाना, आप ही चलाओ मस्त। मेरे को आप ही बहुत ज्यादा भरोसा है, कितने ज्यादा। राइड के बाद थोड़ा टाइम पानी में स्पेंड करते करते शाम हो गई थी, तो वी थॉट कि यहीं पे कहीं खाना खा लेते हैं और फिर निकलते हैं। और फिर हम आए गुरु बार, जहाँ के वाइब्स ही कुछ और थे। फिर खाना खाने के बाद हम लोग निकले अपने स्टे की तरफ फुल अंजुना वाली वाइब्स के साथ। So that's it guys from this video. I hope you guys might have liked it. If yes, then hit that like button and share with your friends and family. तो ये अपना गोवा वाले सीरीज का लास्ट एपिसोड था। I hope आपको ये पूरा सीरीज भी पसंद आया होगा। So do let me know in the comment section below के इस पूरे गोवा सीरीज के अंदर आपको कौन सी जगह या फिर कौन सा एपिसोड ज्यादा पसंद आया। And consider subscribing as that will motivate me to make more of these videos. तो फिर मिलते हैं आपसे next video में।